अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर अंसारी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अंसारी आपकी खिदमत में पहली बार हाजिर हुआ हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल लेकर। दोस्तों, मेरे बहुत से मरीज़ बहुत से दोस्त काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि मैं अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाऊँ जिससे मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो इल्म है, आप सभी लोगों तक पहुँचे और आप सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने चैनल की। तो दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स उठाएंगे, अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स उठाएंगे, बीमारियों के बारे में बात करेंगे, नुस्खों के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो रिजल्टेड प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर जो वीडियोज़ बनाएंगे उनकी ज़बान, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज बहुत ईजी होगी, जो हर वर्ग के, हर तबके के, हर उम्र के लोगों के समझ में आएंगी और लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, वक्त की कमी है तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो प्रोडक्ट, जो नुस्खा दिखाई दे रहा है उसका नाम है माजून जलाली। अगर बात करें माजून जलाली की, तो माजून जलाली एक क्लासिकल यूनानी मेडिसिन है जो बहुत पुरानी है, जो बहुत पुराने समय से लोग इसका इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो माजून जलाली मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, जिस वजह से मैं सबसे पहले अपने चैनल पे इसका रिव्यू कर रहा हूँ, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने मरीज़ों को इसका इस्तेमाल कराता हूँ और माजून जलाली ने कभी भी मेरे मरीज़ों को मायूस नहीं किया, हमेशा इसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आए हैं, मरीज़ों ने तारीफ़ ही की है, दुआएं ही दी हैं, आज तक एक भी मरीज़ की शिकायत नहीं आई। तो दोस्तों, बात करते हैं ये किन किन मर्ज़ों में और किन किन बीमारियों में काम करती है, इसका क्या क्या फ़ायदे हैं और किस उम्र के हजरात इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन हजरात में मर्दाना कमज़ोरी पाई जाती है, जोश की, ताकत की कमी पाई जाती है, जो हजरात अपनी मर्दाना ताकत खो चुके होते हैं, जो हर टाइम मायूस रहते हैं, बीवी को खुश नहीं रख पाते, बीवी के साथ बिस्तर पर जाते ही फेल हो जाते हैं, जिनके लिंग में ताकत बाकी नहीं रह गई, नसें पट्टे कमज़ोर हो चुके हों, वीर या मनि पतला हो चुका हो, पानी के तरीके से बिल्कुल शुक्राणु खत्म हो चुके हों या कम हो चुके हों, मेल हॉर्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन में कमी आ गई हो, वो हजरात इसका इस्तेमाल करके अपनी खोई ताकत वापस हासिल कर सकते हैं, अपने लिंग को मजबूत कर सकते हैं, नसें पट्टे मजबूत कर सकते हैं, खून का दौर सही कर सकते हैं, वीर या गाढ़ा कर सकते हैं, यानी कि हर तरह से बीवी को खुश रखने के काबिल बन सकते हैं। इसके अलावा ये दिल, दिमाग, लीवर, पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में भी काम करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, औरतों की बहुत सारी बीमारियों में भी ये फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं ये पूरी तरीके से जनरल फैमिली टॉनिक है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो अंबर, ज़ाफ़रान, कंद सफ़ेद, ऊद खाम, मस्तगी, इस तरह की बहुत सारी जड़ी बूटियों द्वारा ये मिलकर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जिससे इसकी तासीर गर्म हो जाती है। दोस्तों, इसका लेने का तरीका है सुबह नाश्ते के बाद 5 ग्राम गर्म दूध से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं रोज़ाना। तो दोस्तों, आपको इसको घर पर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, बहुत पुरानी मेडिसिन है तो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। आप किसी भी देश में, किसी भी शहर में रहते हैं, आप सीधा मार्केट जाएं, पंसारी की दुकान जाएं, इसको खरीदें और इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर अपने पसंद का कोई भी टॉपिक मुझे बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।